और 2014 में झूठे लिफ्ट खराब है बेटा, लिफ्ट खराब है, बोले बोल लिफ्ट खराब है, लिफ्ट भाई डर जाओ, बात सुने दो, बात सुनो, सारे खराब है, लिफ्ट खराब है भाई, ये तो मैं चला जाता हूं, मेरी बात सुनो। 2005 में बहुत लंबे संघर्ष के बाद आपकी सरकार बनी थी, आपकी सरकार बनी थी, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसमें जो है बहुत सारे वादे किए थे। आज फिर मौका है, मैं तो दो ही बात कहने आया हूं आपसे। मैं कल नारायणगढ़ से चला था, लाडवा, रादौर, पेवा और यहां करते करते आया हूं। हरियाणा में हवा बदल चुकी, हवा बदल चुकी है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आपकी सरकार बनने जा रही है। सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? सरकार बनानी है तो यहां से एमएलए श्री कृष्ण हुड्डा को बनाना है, क्योंकि ये अपनी आखिरी लड़ाई, फिर मौका नहीं आएगा। ये मौका कभी कभी आता है भाई, पहले सेवा करी और अब कौन आपका आपका मौका दोगे तो तीन चार काम कहकर जा रहा हूं मैं। पहले जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तेरा ऊपरा पानी पी लिया, कोई बात नहीं। पहले जो कहा वो किया, कर्जे माफ करे, 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करे और भाई प्याज 0% के लिए फसली ऋण पे और सारा आपका विकास किया, यहां संस्थाएं बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, सारा काम किया है, हम रेलवे लाइन देखा है और भाई कोच फैक्ट्री ला रहे थे वहां तो लगे हुए। लेकिन अब अगर मैं अपनी सरकार बनेगी तो तीन चार काम कह रहा हूं। सबसे पहले काम मैं करूंगा कि जो इस सरकार की गलत नीतियों से मेरा किसान आज कर्जे में डूब गया है, उसका किसान का और जो भूमिहीन है, जो गरीब आदमी कर्जे में डूब, उसका कर्जा माफ करूंगा पहले से, और बिजली खोल दूंगा, बिल आधा लगेगा, दो एकड़ के जमींदार को बिजली फ्री और गरीब आदमी को 300 यूनिट तक फ्री, वो जाएंगी मेरे बुजुर्गी पेंशन, इनकी तरह नहीं करेंगे 200-200 बढ़ाई दूंगा, बकरी मेहनत कर रही हो बनते ही 5100 रुपये करूंगा, बूढ़े के 5100 बुटियागे, और गरीब आदमी के बच्चों के वजीफे करेंगे जो पहले करे थे उनको इजाफा करेंगे, पहली से 10वीं तक 12000 रुपये साल के और 10वीं से 12-15000 रुपये साल के, और कर्मचारियों का भाई पंजाब वेतन लगाएंगे और ये जो 7th पे कमीशन लागू करेंगे, पुरानी पेंशन लगवाएंगे, और ये जो इन्होंने कर रखा है ना महिलाओं के लिए, महिलाओं का बस में किराया फ्री, और जो गरीब महिलाएं हैं बीपीएल की उनके लिए तो 2000 रुपये हर महीने चूल्हा खर्च देंगे उनको, ताकि चले सब सुख से रहे। और एक जो तमाशा कर रखा है ना, मोटरसाइकिल 15000 की, जुर्माना 25000, ट्रैक्टर 7000 का, जुर्माना 1 लाख, उनको जो है ये कानून खत्म करेंगे और भाई अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन बात तो एक ही कहने है भाई, अब वक्त आया है, एक ओर से राज बनता है एमएलए से और एक ओर से राज रह भी जाता है, राज जब मैं ला रहा है तो भाई यहां श्री कृष्ण हुड्डा को जिता के भेजिए, ये समझ लियो कि भाई एक एक वोट जो आप श्री कृष्ण हुड्डा को दे रहे हो वो भूपिंदर सिंह हुड्डा को दे रहे हो, आप सीधा आपके आपने राज के बनाने के लिए दे रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, लिफ्ट खराब हो रही है भाई, हाजिरी लगा लो, लेकिन मैं निश्चित हो जाऊं, बता दो भाई।